मटन रोगन जोश इतना यमी था तो मैं फिर से लाई हूँ, उसको कर्ड राइस के साथ खा रही हूँ। एंड ये रहे कुछ रोस्टेड पीनट्स अलॉन्ग विथ सम जूस, और ये डिज़र्ट बहुत अच्छा लगा मुझे, चॉकलेट वाला, तो ये खा रही हूँ। एंड ये टर्किश डिज़र्ट भी काफ़ी अच्छा है, तो ये फिर से खा रही हूँ मैं लेके। सो ये देखिए, यहाँ पे ऐसे करने से पानी आता है, कितना प्यारा है ये। एयरपोर्ट बड़ा खाली खाली सा लग रहा है, पता नहीं क्यों, या फिर आज रामनवमी है, छुट्टी है, कोई ट्रैवल नहीं कर रहा है, पता नहीं, बट एयरपोर्ट बड़ा ही ठंडा है। ये आसपास भी ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे हैं, बहुत ही कम लोग हैं। और हमारा खाना पीना हो चुका है, अभी हम जा रहे हैं फ्लाइट की तरफ। ये देखिए पूरा खाली है, वरना यहाँ पे बहुत भीड़ होती थी जब मैं कोरोना के बाद भी गई थी सिंगापुर, बहुत भीड़ थी, आज बिल्कुल खाली है। सो या लेट्स गो, अब बोर्ड करने जा रहे हैं फ्लाइट, पेट तो बहुत भर चुका है, फ्लाइट में भी कुछ खाने पीने मिलेगा, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। Hey guys, welcome back to my channel. This is Jasmine again with a brand new video. So I'm back to Singapore, back in my home. तो कितने दिनों बाद, almost 22 days के बाद वापस घर आई हूँ। एंड घर एकदम चकाचक क्लीन था क्योंकि सारी विंडोज बंद थी। एंड आपने देखा था ना पहले मेरे व्लॉग में जब मैं जा रही थी सिंगापुर से इंडिया, तो पूरा घर मैंने साफ करके गई थी, मॉपिंग वगैरह सब कुछ करके गई थी। एंड डस्ट ज़्यादा आया नहीं है, पूरा घर कवर्ड था, तो उसकी वजह से घर काफ़ी क्लीन है। एंड आज सुबह हम लैंड हुए हैं 6:30 बजे, रात को निकले थे बैंगलोर से एंड डायरेक्टली आज सुबह लैंड हुए हैं। तो उसके बाद सामान वगैरह अनपैक करना है, अभी अनपैकिंग पूरी हुई नहीं है, मैं जस्ट व्लॉग यहाँ से शुरू कर रही हूँ ये, क्योंकि पहले वाला व्लॉग मैंने एंड किया है कि नहीं मुझे पता भी नहीं है, क्योंकि इतनी थकी हुई थी मैं आने के बाद, तो आई जस्ट क्रैश्ड यू नो। एंड मेरी बेड को मैं बहुत मिस करती हूँ चाहे जहाँ भी सो, अपने घर की बेड जो होती है ना, वो उससे ज़्यादा कंफर्टेबल कुछ नहीं होता है। तो आके सो के उठी हूँ, अभी 2:30 बजे उठी मैं सुबह, 7:30 बजे सो के, तो पूरी नींद हो गई मेरी। और अभी बजे हैं 4:00 PM, तो अब मैं जा रही हूँ मुस्तफ़ा सामान लाने। दैट्स ऑलवेज माई रिचुअल, जब भी मैं वापस आती हूँ तो आई वॉन्ट माई किचन टू बी फुल, तो इसलिए मैं अभी सामान लाने जा रही हूँ। तो सनी को साथ लेके जा रही हूँ ताकि वो हेल्प करे मुझे सामान लेने में। एंड ऑल्सो इंडिया से थोड़ा बहुत मम्मी ने पोहा वगैरह दिया था, तो वो खा के ही जा रहे हैं हम, दूध वगैरह पी के, तो अभी पेट तो फुल है। शाम को शायद मैं डिनर बनाऊंगी या फिर बाहर से कुछ खा लेंगे। तो अभी सामान लेके आऊँगी मुस्तफ़ा से, मुस्तफ़ा दिखाऊंगी कि नहीं पता नहीं, क्योंकि इतने बार तो मैंने व्लॉग में दिखा चुकी हूँ। तो आई थिंक इस व्लॉग में मैं ये दिखाऊंगी कि मैं इंडिया से क्या क्या चीज़ें लाई हूँ, तो आप लोगों को बताऊंगी कि इस बार इंडिया से क्या क्या आया है मेरे साथ। वही नॉर्मल रूटीन जो मसाले वगैरह आते हैं, उसके साथ ही साथ कुछ गिफ्ट्स आए, मेरे सिस्टर इन लॉ ने गिफ्ट्स दिए हैं, तो वो गिफ्ट्स हैं बस। और हाँ बस यही, तो इस व्लॉग को यहाँ से शुरू करते हैं, चलिए चलते हैं मुस्तफ़ा। छिले हुए गार्लिक मिल जाते हैं, बट मैं ये नहीं लेती हूँ, पील्ड वाले मैं नेचुरल लेती हूँ जो मैं खुद पील करती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों लगता है इसमें खुशबू कम होती है, ये सूख जाते हैं छीलने से। तो अभी सब्जी ले रही हूँ। <दूंग
तो ये रहा फाइनल सामान जो मुस्तफ़ा से लाई हूँ मैं। आज बस ट्रॉली में ही आ गया, तब ज़्यादा इतना नहीं लाई क्योंकि ऑलरेडी मैं जाने से पहले महीने के स्टार्ट में थोड़ा बहुत लाई थी, तो ये बस आधे महीने का है एंड काफ़ी सारा स्टॉक में है ऑलरेडी मेरे पास। तो ये सारा देखिए, ये प्लेटफॉर्म भर चुका है, ये अच्छा आ रहा है। जैसे इसको सब जब खोलूँगी दिखाऊँगी मैं इसमें कौन से टाइप का है। और ये रहा देसी घी जो कि मेरे इन लॉस के घर से आया है। एंड ये रहा पोहा जो मम्मी बना के दिए थे, जो कोकोनट वाला ड्राई पोहा होता है एंड इसमें कुछ मिठाई है कांति स्वीट्स की एंड इसमें कुछ है। सो अभी ये सामान फटाफट से निकाल के रख देती हूँ। एंड जाने से पहले मनी प्लांट मेरा यहाँ तक था, अब देखिए इतना बढ़ चुका है क्योंकि मैं इसको यहाँ पे बाहर वॉशिंग एरिया में रख के गई थी यहाँ पे, तो उससे अच्छी खासी धूप लग के ना इतना अच्छा ग्रो हो गया है। देखिए कितना लंबा हो गया तो धूप ज़रूरी होती है इनको। एंड बहुत सारे लीव्स भी आ गए इसमें, और इसको भी रिफिल करना है मुझे, कॉफ़ी पॉट्स बस इतने ही बचे हैं अभी। तो फाइनली वन बाय वन सारे काम ख़त्म हो गए हैं एंड अभी कुछ कुछ चीज़ें लाई थी मैं वॉशरूम की, वो सब रख रही हूँ, जैसे कि माउथ वॉश, फेस वॉश, ये वो सब कुछ पूरा अरेंज करना है ना। देखिए सारा सामान मैंने अरेंज कर दिया है एंड अभी बस ये बाथरूम का काम हो चुका है। अब मुझे रूम में जो जो बचा है वो करना है। अब मैं क्या करूँगी, मैंने सोचा है कि अभी पहले चेंज कर लेती हूँ एंड उसके बाद आपको जब मैं इंडिया से लाया हुआ सामान है ना वो कल सुबह दिखा देती हूँ। अभी बहुत थक चुकी हूँ तो अभी मैं रेस्ट करूँगी।